यूपी के खतौली में उत्कल ट्रेन हादसे के बाद टूटे हुए रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम पूरा, ट्रेनों के आने जाने का सिलसिला भी शुरू। सबसे पहले मालगाड़ी को ट्रैक से निकाला गया। मुजफ्फरनगर ट्रेन हादसे में 8 अधिकारियों पर गिरी गाज, 4 अधिकारी सस्पेंड, चीफ ट्रैक इंजीनियर का तबादला। हादसे में अब तक 22 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा घायल। खतौली ट्रेन हादसे के बाद कार्रवाई, रेलवे बोर्ड में सदस्य इंजीनियर एके मित्तल समेत 3 अधिकारियों को छुट्टी पर भेजा गया। पहली बार किसी रेलवे बोर्ड सदस्य पर हुई कार्रवाई। खतौली ट्रेन हादसे पर पहली FIR दर्ज, GRP मुजफ्फरनगर में GRP चौकी इंचार्ज अजय सिंह ने अलग अलग धाराओं में दर्ज किया मुकदमा। 2 रेलवे कर्मचारियों की ऑडियो क्लिप से उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में रेलवे की लापरवाही और ट्रैक की मरम्मत का दावा सही निकला, रेलवे बोर्ड ने भी मोहर लगाई। मुजफ्फरनगर रेल हादसे में सामने आई रेलवे की बड़ी लापरवाही, ABP न्यूज की पड़ताल में स्कूल कर्मचारी ने बताया 11 जून को टूटी पटरी देखकर रुकवाई थी ट्रेन। मुजफ्फरनगर के खतौली में हुए हादसे के बाद भी नहीं जागा रेलवे प्रशासन। सोमवती अमावस्या मेले के लिए चित्रकूट में ट्रेन की छतों पर जानलेवा सफर करने को मजबूर हैं यात्री, भारी भीड़ को लेकर अतिरिक्त ट्रेन की जरूरत। यूपी के कासगंज से बिहार के किशनगंज की ओर जा रही मालगाड़ी की एक बोगी पटरी से उतरी, हादसे में कोई हताहत नहीं, मालगाड़ी में पत्थर भरा था। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा, सदन में हंगामे के आसार, सृजन घोटाले और बाढ़ की तबाही को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। सृजन घोटाले के मामले में गिरफ्तार महेश मंडल की देर रात भागलपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मौत हो गई, पिछले रविवार को गिरफ्तारी हुई थी, महेश मंडल की किडनी खराब थी। सृजन घोटाले को लेकर लालू यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर दागे कई सवाल, घोटाले में सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम सुशील मोदी पर संलिप्तता का आरोप लगाया, कहा दोनों ने 10 साल तक मामले को दबाया। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने फिर लगाया लालू एंड फैमिली पर नया आरोप, कहा रामाश्रय प्रसाद यादव को BPSC का चेयरमैन बनाने के एवज मिली करोड़ों की जमीन। विपक्ष को एकजुट करने के लिए मायावती की पार्टी BSP के नाम से बने ट्विटर अकाउंट से जारी हुआ पोस्टर, पोस्टर में अखिलेश के साथ दिख रही हैं मायावती, सामाजिक न्याय के समर्थन में विपक्ष से एकजुट होने की अपील की। BSP के बड़े नेता और मायावती के करीबी सतीश चंद्र मिश्र ने कहा BSP का कोई ऑफिशियल ट्विटर हैंडल नहीं, अखिलेश मायावती के साथ वाले पोस्टर से पार्टी का कोई लेना देना नहीं, BSP ने जारी नहीं किया पोस्टर। गुजरात कांग्रेस के 43 विधायक 2 दिन के दौरे पर पहुंचे दिल्ली, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अहमद पटेल से आज करेंगे मुलाकात, मुलाकात के बाद तिरुपति जाने का भी कार्यक्रम। अहमद पटेल का जन्मदिन आज, कांग्रेस में जश्न की तैयारी, गुजरात से आए 43 विधायक भी अहमद पटेल के घर करेंगे लंच, गुजरात में कड़ी मशक्कत के बाद अहमद पटेल ने राज्यसभा सीट जीती है। BJP शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी और BJP अध्यक्ष अमित शाह करेंगे बैठक, मोदी सरकार की अब तक की योजनाओं पर हुए कार्य की समीक्षा की जाएगी। डोकलाम में भारत के साथ तनातनी के बीच चीन की नई चाल, नेपाल को अपने साथ लाने की कोशिश में जुटा चीन, चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा चीन और नेपाल की दोस्ती से किनारे हो जाएगा भारत। चीनी अखबार ने अपने लेख में भारत पर नेपाल की आर्थिक नाकेबंदी करने का झूठा आरोप भी लगाया, देखा 2015 में जब नेपाल ने नया संविधान लागू किया तो भारत ने उस पर अघोषित आर्थिक प्रतिबंध लगाया। विश्वसनीय T-90 टैंकों को तीसरी पीढ़ी के मिसाइल सिस्टम से लैस करने में जुटी भारतीय सेना, चीन को टक्कर देने के लिए सीमा पर होगी तैनाती। 2002 गुजरात दंगों को लेकर जाकिया जाफरी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट आज सुना सकता है फैसला, जाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट देने के निचली अदालत के फैसले को दी है चुनौती। 2008 के मालेगांव धमाके में कर्नल पुरोहित की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है फैसला, 9 साल से जेल में बंद है पुरोहित, 17 अगस्त को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुजरात के गोधरा में पुलिस और पब्लिक में भिड़ंत, कथित तौर पर वध के लिए लाई गई गायों को बचाने गई थी पुलिस की टीम, हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल, पुलिस ने 150 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। राष्ट्रपति बनने के बाद रामनाथ कोविंद आज अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर एक कार्यक्रम में शरीक होने लेह जाएंगे, आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत भी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। बिहार में धीरे धीरे उतर रहा है बाढ़ का पानी, लेकिन कम नहीं हो रही मुसीबत, 20 जिलों में अब भी 25 करोड़ लोग प्रभावित, रविवार को भी 51 लोगों की मौत, बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 253 तक पहुंचा। कटिहार में बाढ़ ने मचाई बड़ी तबाही, बाढ़ में स्कूल डूबे हैं, घरों में रखा राशन कपड़े सब पानी में डूब चुके हैं, मेडिकल सुविधाओं का कोई इंतजाम नहीं। मुजफ्फरपुर के रजवाड़ा गाँव में बूढ़ी गंडक का तटबंध देर रात टूटा, दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए, गहरी नींद में होने की वजह से लोगों को अपने सामान निकालने का समय तक नहीं मिला। बिहार के सिवान भी बाढ़ की जद में आया, अचानक आए पानी के तेज बहाव की वजह से कई गांवों में पानी घुसा।
पूर्णिया में बाढ़ की सबसे बड़ी तबाही, लोगों की मदद के लिए एयरफोर्स तैनात, इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर लगातार लोगों के बीच आसमान से खाने के पैकेट गिरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर के रेउसा इलाके में बाढ़ में डूबने से 8 मासूम बच्चों की मौत, गाय और उसके बछड़े को बचाने के चक्कर में बच्चे पानी में डूब गए। मृतक बच्चों में 3 सगे भाई थे, सभी की उम्र 7 से 11 साल थी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे